بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها والنخل ذات الأكمام जाएं जो अहले तौहीद हों। अब्दुल कादिर जिलानी ने बुनियतुत तालिबीन में लिखा है कि हनफी जो हैं नुमान इब्ने साबित के मानने वाले वो जहन्नम में जाएं। इस किताब पर इस हवाले पर बड़ी लेदे हुई। अब हम इस बात को देखें कि 73 फिरकों में से जन्नत में जाने वाला, जैसा कि मालूम है कि एक ही ग्रोह है, और जहन्नम में जाने वाले 72 हैं। अब जहन्नम में जाने वाले 72 ग्रोह में क्या ये मुमकिन है कि अहले तौहीद भी जहन्नम में चले जाएं? तो ये नामुमकिनात में से है। तो असल मसला ये है कि इनके हाँ तौहीद नामी चीज़ बाकी है ही नहीं। इनसे मसाइल में गुफ्तगू करना, आमीन और रफ़ुल यदैन पर बात करना और फ़िक़्हे हनफी के मसाइल पर गुफ्तगू करना बेकार है, अवस है। पहले इनको अकीदे की बुनियाद पर पकड़ो कि तुम्हारा जो ये अकीदा है, ये अकीदा सही है या गलत। एक और वाकया जिनसे ये कहते हैं, ये सवाने कासमी है, मोहम्मद कासिम नानोतवी की, और इसको तरतीब दिया है सैयद मुनाजिर अहसन गिलानी ने, दोनों फौत हो चुके हैं। वो कहते हैं कि हम बस बुजुर्गों की इमदाद से मदद लेने के हम मुनकिर नहीं हैं, बुजुर्गों की अरवाह से मदद लेने के हम मुनकिर नहीं हैं, बुजुर्गों की रूहें आती हैं और मदद करती हैं। ये देवबंदियों का अकीदा। बरेलवी ये कहा करते थे, हर जुमेरात को रूह आती है और घर पर आकर दरवाज़ा खटखटाती है और पूछती है मेरे लिए क्या पकाया। अगर कहा जाए मुर्ग मुसल्लम है, कोरमा है, हलवा है, तो कहती है शाबाश हो तुम पर कि तुम इस बात के लायक थे कि तुम ये काम करते, तुम मेरे लायक फर्जंद हो। लेकिन अगर कहा जाए कि आज तो घर में दाल और साग पका है, तो कहते हैं लानत हो तुम पर, हमारे लिए यही बाकी बचा था। ये देवबंदी बरेलवियों के बारे में बयान करते हैं कि बरेलवियों की रूहें जुमेरात को आती हैं, और यहाँ अब इनकी रूहें कहते हैं बुजुर्गों की अरवाह से
मदद लेने के हम मुनकिर नहीं है, यानी बुजुर्गों की रूहें आकर मदद करती हैं। कैसे? अशरफ उस सवानेह एक किताब है। अशरफ उस सवानेह में एक वाकया जिक्र करते हैं अशरफ अली थानवी अपने नाना का। कहते हैं कि अशरफ अली थानवी साहब बयान करते हैं कि मेरे नाना एक दफ़ा सफ़र में थे और सफ़र में डाकुओं से लड़ाई हुई। किस्सा मुख्तसर ये कि मेरे नाना के साथी तादाद में कम थे और डाकू तादाद में ज़्यादा थे। उन्होंने सबको कत्ल कर दिया, सब शहीद। डाकू माल असबाब लूट कर चले गए। कहते हैं रात को एक अजीब बात हुई। क्या? कह रात को मेरी नानी के पास मेरे नाना आए और मिठाई का डब्बा लेकर आए। मरने के बाद, कहते हैं शहीद होने के बाद एक अजीब बात हमारे ख़ानदान में हुई कि आए भी रात को, दिन को नहीं आए। चोर हमेशा रात को ही आता है डाका डालने के लिए। आए भी रात को और आए भी मेरी नानी के पास और मिठाई का डब्बा लेकर। सऊदी अरब में दोस्त एक बरेलवी और एक तौहीद वाले की आपस में बहस हो गई। वो बरेलवी कहने लगा कि मेरे बाप जो हैं वो बहुत बड़े बुजुर्ग थे और मरने के बाद मेरे वालिद आते हैं। वो कहते हैं कि मेरे वालिद जो हैं वो बुजुर्ग हैं और रात को मेरी अम्मा के पास वो आते हैं। कहते हैं कैसे आ सकते हैं, मर गए, मरने के बाद आने का तो तू क्या बनता है। कहा नहीं आते हैं। आपस में वो झगड़ा चला चला चला, आखिरकार शुरते में मामला चला गया, थाने में चला गया मामला। शुरतों ने दोनों को बुला लिया कि तुम क्यों आपस में लड़ झगड़ रहे हो। किसी ने जाकर शिकायत लगा दी कि ये लड़ने मरने के लिए तैयार। वो कहने लगा क्या बहस है तुम्हारी। कहने लगा कि ये कहते हैं मेरे वालिद रात को आते हैं। कहता ठीक है, आते हैं आते हैं, तुम्हें क्या तकलीफ है, जो मर्जी आए इनके घर में। इनके वालिद आते हैं रात को आते हैं तो तुम्हें क्या तकलीफ है, उनके आने पर क्या एतराज है तुमको। कहा नहीं, इनके वालिद मर गए हैं। कहता हाँ मर गए मात, हाँ मर गए। कहा अच्छा, फिर ओए फिर कौन आता है तेरे घर में, तेरी माँ के पास कौन आता है, बता जल्दी बता। जब तेरा बाप मर गया, मरने के बाद तेरी माँ के पास असल में कौन आता है, देख तो सही कौन आता कौन है। उसने वही फैसला कर दिया कि मरने के बाद तेरा बाप नहीं आ सकता, आने वाला कोई और होगा। अब ये अशरफ अली थानवी के पास, इनकी नानी के पास उनके नाना आए। अब पता नहीं उनके नाना किसके रंग में आए। कहा नहीं, मेरे नाना ही थे, मेरे ही नाना। मिठाई का डब्बा लेकर आए, मिठाई का डब्बा लाए और कहने लगे कि हम हर रोज आया करेंगे। देखें कितना इख्तियार है बुजुर्गों की रूहों को आने का, कितना इख्तियार। अल्लाह कहता है अल्लाह यतवफ्फल अनफुसा हीना मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा फयुमसिकुल्लती क़ज़ा अलैहल मौत वयुरसिलुल उख्रा। अल्लाह कहता है मैं दो मौकों पर रूहें कब्ज़ करता हूँ, एक नींद की हालत में रूह कब्ज़ कर ली जाती है और एक मौत की हालत में। जिसकी नींद की हालत में रूह कब्ज़ होती है दुनिया में वापस भेज दी जाती है, इसलिए कि अभी उसकी ज़िंदगी बाकी है। और जिसकी रूह, जिसके बारे में फ़ैसला हो जाए कि ये मर चुका है, फयूम से कुल्लती क़ज़ा अलैहल मौता, उसकी रूह को रोक लिया जाता है। और हदीस में आता है अगर तो बद रूह है वो आसमान के दरवाजे उसके लिए बंद हो जाते हैं, फरिश्ते लपेटते हैं बदबूदार कपड़े में और फरिश्ते लानतें करते हैं इसकी बदबू की वजह से कि सारा रास्ता मुतअक्किर है और आसमान के दरवाजे बंद हो जाते हैं। अल्लाह फरमाता है आसमान के दरवाजे भी ना खुलेंगे और ये लोग जन्नत में भी ना जाएंगे जब तक के सुई के धागे में तुम ऊँट को दाखिल नहीं कर देते। जैसे सुई का कपड़े सीने वाली सुई है उसके बारीक से नाके में ऊंट दाखिल नहीं हो सकता है, ऐसे ही ये लोग ना जन्नत में जा सकते हैं ना इनके लिए आसमान के दरवाजे खुलेंगे। कहा जाता है ले जाओ इसको जमीन में फेंक, अभी इनके जमीन में कैद खाने में इसकी रूह को कैद कर दिया जाता है। दूसरी रूह वो है कि जिसके लिए खुशबूदार कपड़े में लपेटा जाता है, आसमान की तरह बुलंद होते हैं, फरिश्ते कहते हैं किस अच्छे आदमी की रूह को लेकर जा रहे हो, आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं, जन्नत में ये पहुंच जाती है। अल्लाह सबज, मुस्लिम की रवायत है कि अल्लाह सबज किस्म के परिंदों के कालबों में इनकी रूहों को डाल देता है और फिर ये रूहें कहा जाता है जन्नत में जहां जाती हो जाओ खाओ पियो और रात को अर्श के नीचे जो कंदीलें अल्लाह ताला के अर्श के नीचे लटकी हुई हैं वहां बसेरा करना। रूहों के दो ठिकाने हैं, या जन्नत या वो कैदखाना। जिसकी रूह जन्नत में होगी वो फाफा को मिलने के लिए दुनिया में आने को तैयार होगी कि चले मैं फाफा को मिला हूँ, इतने साल उसके साथ मैंने गुजारे हैं, मैं जाकर ज़रा उससे मुलाकात कराऊँ या कुछ खा पियाँ, लहसुन प्याज अदरक वगैरह यहाँ जन्नत में नहीं मिलते।
जो जन्नत में वो मौजूद है वो दुनिया में आने के लिए तैयार कहाँ है, और जो कैद खाने में है उसको फरिश्ते छोड़ने के लिए तैयार कहाँ है। ये जो अशरफ अली थानवी के नाना कह रहे हैं कि हर रोज आया करेंगे, इसका क्या माना? कि बुजुर्गों को इस बात पर इख्तियार है कि जब आए, जब चाहे आए और जब चाहे जाए, लेकिन शर्त यह है कि तुम बतलाना नहीं किसी को कि अशरफ अली थानवी के नाना आए थे, मैं आया था, ये बतलाना नहीं किसी को। अगर नहीं बतलाओगे फिर हर रोज आया करेंगे और मिठाई का डब्बा लाया करेंगे। अशरफ अली बयान करते हैं कि मेरी नानी इस डर से कि लोग क्या कहेंगे कि इनके घर में रात को मिठाई का डब्बा कौन लेकर, कौन देकर गया, समझेंगे कि कोई अशरफ अली थानवी की नानी का कोई यार है जो इनको रात को मिठाई के डब्बे लाता है, ये झूठ बोलते हैं कि नाना आए थे। लिहाजा नानी ने सुबह ही ऐलान कर दिया, रात को अशरफ अली थानवी के नाना आए थे। और जो इस बात का ऐलान था कि जब अशरफ अली थानवी के नाना ने शर्त लगाई थी कि मेरा राज बतलाना नहीं, फिर मैं आया करूंगा, चूंकि उन्होंने कहा कि मुझे डर है कि बदनामी मेरी होगी, इसलिए सुबह ऐलान कर दिया। अशरफ अली थानवी लिखते हैं कि उसके बाद मेरे नाना कभी भी नहीं आए, आना चाहिए था उनको लेकिन कभी भी नहीं आए। क्या माना? कि बुजुर्गों की रूहों को इख्तियार है, जिसकी चाहे मदद करें, जिसको जहां मर्जी आए जाए, ये है वो अकीदा है तौहीद जिसको ये मानने वाले। ये बुनियाद तालबीन किताब है जिसके सफ़र नंबर 186 पर यह बात मौजूद है। अहले बिदत की पहचान, ये बाब बांधा है अब्दुल कादर जिलानी ने, और इसका तर्जमा भी, इस किताब का तर्जमा भी इमानुल्लाह खां अरमान सरहदी ने किया है जो हनफी है, और शेख गुलाम अली एंड सन्स पब्लिशर ने इसको शाया किया है जो हनफी है। और इसकी दलील ये है कि इन लोगों ने अब्दुल कादर जिलानी का रद्द करते हुए हाशी में बहुत सी बातें लिखी हैं। अब्दुल कादर जिलानी साहब ये बाब बांधते हैं कि अहले बिदत की पहचान, कहते हैं अहले बिदत की बास निशानियां हैं जिनसे वो जाने जा सकते हैं और हदीस की तहकीर करते हैं। जिंदीक की पहचान ये है कि वो अहले हदीस को झूठा कहता है, फिरका कदरिया और अहले हदीस को मुजबरा कहता है, जहमिया अहले हदीस को मुशब्बा कहता है, राफजी अहले हदीस को नासबा कहता है। ये सब ऐसी बातें इसलिए कहते हैं कि उन्हें अहले सुन्नत के साथ दुश्मनी और तासुब है। अहले सुन्नत का सिर्फ एक ही नाम है, यानी अहले हदीस। 73 फिरके बनाए हैं अब्दुल कादर जिलानी ने, और उसका जिक्र किया है अपनी किताब में सफ़ा नंबर 193 पर। कहा ये 73 फिरके दरअसल 10 ग्रोह पर मुश्तमिल हैं, जिनकी तफसील ये है। अहले सुन्नत पहला फिरका, फिर खारजी, शिया, मोतजला, मुर्जिया, मुशब्बा, जहमिया, जरारिया, बुखारिया और कलाबिया, ये 10 बड़े बड़े ग्रोह हैं जिनकी मजीद फिरकों की तफसील ये है। तो ये 73 फिरके बनाए हैं इन 10 में से, और एक फिरका अहले सुन्नत का, ये एक ही ग्रोह है। ये 73 फिरके इस तरह हुए। तो कहते हैं अहले सुन्नत का सिर्फ एक ही नाम है, यानी अहले हदीस, और इसके सिवा और कोई नाम नहीं। और बिदती अपना जो लकब अहले सुन्नत रखते हैं वो इनके नाम से लगाव नहीं खाता, जैसे कुफार मक्का ने आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम साहिर, शायर, दीवाना, आसेब जदा और काहिन रखे थे, हालांकि इन नामों का आ हज़रत के नाम और आपकी सिफात से दूर का भी वास्ता नहीं। अहले सुन्नत का एक ही नाम है और वो अहले हदीस है, और अहले सुन्नत ही जन्नत में जाने वाला है। और लिखते हैं अब्दुल कादर जिलानी के जो बिदती अपने आप को अहले सुन्नत कहते हैं, जैसा कि बरेलवी भी अपने आप को अहले सुन्नत कहते हैं, देवबंदी भी अपने आप को अहले सुन्नत कहते हैं, ये अहले सुन्नत नहीं, ये हनफी हैं मसाइल में और असूल में हैं मातुरीदी और अशरी, और सिलसिला तसव्वुफ में ये नक्शबंदी, कादरी चिश्ती, सोहरवर्दी, अहले सुन्नत नहीं है। तो अब्दुल कादर जिलानी ने नकली अहले सुन्नत और असली अहले सुन्नत की यहाँ पहचान करवा दी कि असली अहले सुन्नत कौन है और नकली अहले सुन्नत कौन है। अब उसमें एक मुर्जिया फिरका, जिसका उन्होंने चौथे नंबर पर जिक्र किया, गुमराह फिरकों में से चौथे नंबर पर हनफिया का जिक्र किया, हमारा एक जगह मुनाजरा हो रहा था तो कहने लगे कि ये हनफिया जो आप कह रहे हैं ये वो हनफिया नहीं है जो इमाम अबू हनीफा हैं, बल्कि ये वो हैं
कि जो हजरत अली के बेटे थे मोहम्मद इबन हनफिया, इससे मुराद वो है। उन्होंने इस बात का ये जवाब दिया। अब अब्दुल कादर जिलानी इस हनफिया की तारीफ करते हुए कहते हैं कि ये हनफिया है कौन। कहते हैं एक फिरके का नाम हनफिया है, ये अबू हनीफा नुमान इबन साबित से मंसूब है। इनका अकीदा है कि ईमान ये है कि खुदा और उसके रसूल मकबूल को पहचाने, ज़बान से भी इसका इकरार किया जाए और जितनी चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुई उन सब पर ईमान लाया जाए। तो ये जिक्र करके नुमान इबन साबित अबू हनीफा का इन्होंने बतला दिया कि ये मुर्जिया फ़िरकों में से है और मुर्जिया फ़िरका गुमराह फ़िरकों में से है और गुमराह फ़िरके जहन्नम में जाने वाले हैं और जन्नत में जाने वाला सिर्फ एक वो अहले सुन्नत है और अहले सुन्नत का एक ही नाम है, वो अहले हदीस है। अहले सुन्नत ने जो लोगों ने घर रखे हैं अब्दुल कादर जिलानी कहते हैं उनका अहले सुन्नत के साथ कोई ताल्लुक नहीं, किसी बिदती अहले सुन्नत का असली अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं, ये खुद उन्होंने अपने नाम खड़े हुए हैं। तो ये बुनियाद तालबीन है और इसके सफ़ा नंबर 205 पर और सफ़ा नंबर 193 पर और इसी तरीके सफ़ा नंबर 186 पर ये तीन इबारतें मौजूद हैं, ये आप इनको दिखा रहे हैं। मैं उस बात को आगे बढ़ाते हुए ये जो बुज़ुर्गों की रूहें आकर मदद करती हैं एक हकायत अरवाह हकायत औलिया से अशरफ अली थानवी की हकायत औलिया से हकायत नंबर 247 है वो मैं ज़िक्र करता हूँ। कहते हैं हजरत अम मोहतरम मौलाना हबीबुर रहमान साहब मरहूम ने फरमाया कि मौलवी अहमद हसन साहब अमरोही और मौलवी फखरुल हसन साहब गंगोही, ये दो नाम आपने सुने हैं और इनमें से इस किताब अल मुहन्नत अल मुफन्नत पर दस्तखत करने वालों में से अहमद हसन साहब अमरोही दूसरे नंबर पर ये तस्दीक कर रहे हैं। हजरत मौलाना मीर अहमद हसन साहब अमरोही, इनका नाम ये अल मुहन्नत अल मुफन्नत अकायद उलमाए देवबंद में भी उस लिस्ट में भी ये शामिल। कहते हैं कि आपस में मौलवी फखरुल हसन साहब गंगोही में बाहिम मुआसराना चशक थी, चशमक होता है ना गलत लिखा है। और उसने बाज हालात की बिना पर एक मुखासिमा और मुताज़ेया लिखा हुआ है कि सूरत इख्तियार कर ली और मौलाना महमूद हसन साहब वो असल झगड़े में शरीक न थे, ना उन्हें इस किस्म के अमूर से दिलचस्पी थी। महमूद हसन साहब को ये महमूद हसन साहब पहले नंबर पर आते हैं जिन्होंने तस्दीक की है अकायद उलमाए देवबंद की और दूसरे नंबर पर अहमद हसन साहब आते हैं। ये इन तीन आदमियों का नाम इस किताब में मौजूद है, इनमें से दो के दस्तखत इस किताब पर भी मौजूद। कहते हैं कि महमूद हसन साहब को असल झगड़े में शरीक न थे, ना उन्हें इस किस्म के अमूर से दिलचस्पी थी, मगर सूरत हाल ऐसी पेश आई कि मौलाना भी बजाय गैर जानिबदार रहने के किसी एक जानिब झुक गए और ये वाकया कुछ तूल पकड़ गया। इसी दौरान में एक दिन अलग सुबह बाद नमाज फजर मौलाना रफ़ीउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना महमूद हसन साहब को अपने हुजरे में बुलाया। ये चौथे और आदमी हैं रफ़ीउद्दीन जो दारुल उलूम देवबंद में है। मौलाना हाजिर हुए और बंद हुजरे के कबाड़ खोल कर अंदर दाखिल हुए। मौसम सख्त सर्दी का था। मौलाना रफ़ीउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि पहले ये मेरा रूई का लिबादा देख लो। मौलाना ने लिबादा देखा तो तर था और खूब भीग रहा था। फरमाया कि वाकया ये है कि अभी अभी मौलाना नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह जस्ट अंसरी के साथ मेरे पास तशरीफ़ लाए थे। कासम नानोतवी साहब जिनको मरा हुआ अरसा गुजर गया, रफ़ीउद्दीन साहब जो दारुल उलूम देवबंद में गालबन मुहतमिम थे दारुल उलूम देवबंद के, उनसे कहते हैं कि वो कहते हैं महमूद हसन साहब से कि देखो पहले मेरा रूई का लिबादा देखो, ये रज़ाई मेरी देखो। देखा तो महमूद हसन साहब ने देखा तो खूब तर था और खूब भीग रहा था, यानी पसीना इतना आया हुआ था। कहते हैं कि फरमाया कि वाकया ये है कि अभी भी मौलाना नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह जस्ते अंसरी के साथ मेरे पास तशरीफ़ लाए थे। जस्ते अंसरी से मुराद यानी ये पूरा जिस्म है, रूह नहीं आई थी बल्कि पूरा जिस्म आया था, जिसम समेत रूह वो उसके साथ तशरीफ़ लाए, जिससे मैं एक दिन एक दम पसीना पसीना हो गया और मेरा लिबादा तर बतर हो गया। जब मैंने अपने सामने मरे हुए कासम नानोतवी को सामने देखा, कहने लगे मैं उससे एकदम पसीना पसीना हो गया और मेरा लिबादा तर बतर हो गया। और
ये फरमाया, कासिम नानोतवी साहब ने क्या फरमाया कि महमूद हसन को कह दो कि वो इस झगड़े में ना पड़े, बस मैंने ये कहने के लिए बुलाया है। मौलाना महमूद हसन साहब ने अर्ज़ किया कि हज़रत मैं आपके हाथ पर तौबा करता हूँ कि इसके बाद मैं इस किस्सा में कुछ ना बोलूँगा। महमूद हसन को भी यकीन था कि कासिम नानोतवी आए, रफ़ीउद्दीन को भी इस बात का यकीन था कि कासिम नानोतवी आए। फौरन महमूद हसन ने तौबा कर ली, किसके हाथ पर? रफ़ीउद्दीन के हाथ पर, कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बस मेरी तौबा। अब अशरफ अली थानवी साहब की रग फड़कती है, वो उस पर हाशिया लिखते हैं, कहते हैं ये वाकया रूह का तमस्सुल था और इसकी दो सूरतें हो सकती हैं। एक ये कि जस्त मिसाली था मगर मुशाबे जस्त अंसरी के। दूसरी सूरत ये कि रूह ने खुद अनासर में तसर्रुफ करके जस्त अंसरी तैयार कर लिया हो मगर वक्त गुजर जाने पर फिर इस मुरक्कब को तहलील कर दिया जाता। कहते हैं दो ही सूरतें हैं, या तो ये है कि वो जस्त मिसाली था, असल नहीं था, मिसाली जसद था, कि इस तरह का कासिम ननोतवी साहब इस तरह के थे, हाँ इस तरह का एक जसद बनकर आ गया। कहते हैं या तो जस्त मिसाली था या जस्त अंसरी था, और जस्त अंसरी कैसे बना? जस्त अंसरी वो जो हमारा ये जिस्म है सेम। कहते हैं कि रूह ने खुद अनासिर में तसर्रुफ करके जस्त अंसरी तैयार कर लिया। यही अकीदा, इससे मिलता जुलता अकीदा हिंदुओं का। मरने वाले को कहते हैं दोबारा जब आओगे ना, कुत्ता बनकर ना आना, हिरन बनकर आना, बकरी बनकर आना, शेर बनकर आना। उनका भी ये अकीदा है कि रूह बाद में दूसरे जिस्म के जरिए से दुनिया में वापस आ जाती है। यही अकीदा देवबंदियों का है कि कासिम नानोतवी की रूह ने खुद एक जस्ते अंसरी तैयार किया और उसके अंदर वो सवार हुई और उसको लेकर दारुल उलूम देवबंद में पहुंच गई। कासिम नानोतवी क्या खुद अल्लाह के नबी भी बकौल इनके दारुल उलूम देवबंद में आते रहते? किसी ने पूछा कासिम अल्लाह के नबी से कि अल्लाह के नबी आप ये उर्दू ज़बान कहाँ से बोलना सीख गए हैं? कहा अक्सर मुझे दारुल उलूम देवबंद आना जाना पड़ता है, इसलिए वहाँ आने जाने की वजह से मुझे उर्दू ज़बान आ गई। इसका हवाला क्या है? यही अरवाज़ सरासा का हवाला। चलो इतनी ही काफ़ी हैं लोगों ये वसीले की बात है ना, इसका बयान हमने ऐसे जो गायन बात है वो आपने नहीं बताया, मसले तो बहुत के अभी आपको बाद में सवाल होगा, सवाल का मौका मिलेगा बैठे। अभी अभी थोड़ा सा ये खत्म कर लेना बस, इसको थोड़ा सा ये कायद की बात ही बस। ये है फजाइल दुरूद शरीफ तबलीगी निसाब। आजकल इन्होंने तबलीगी निसाब को फजाइल आमाल में बदल दिया है, तो ये मैं आपको एक हवाला बयान करता हूँ जो ज़करिया साहब ने अपनी किताब में जिक्र किया है। वो कहते हैं कि हज़रत सुफियान सौरी से नकल करते हैं कि मैं तवाफ़ कर रहा था, मैंने एक शख्स को देखा कि वो हर कदम पर दुरूद ही पढ़ता है और कोई चीज़ तस्बीह और तहलील वगैरह नहीं पढ़ता। मैंने उससे पूछा इसकी क्या वजह, तो उसने पूछा तू कौन है? ये अरवाए सलासा का हवाला दे दिया आपने। तो हर कदम पर दुरूद ही पढ़ता है और कोई चीज़ तस्बीह और तहलील वगैरह नहीं पढ़ता। मैंने इससे पूछा इसकी क्या वजह, तो उसने पूछा तू कौन है? मैंने कहा मैं सुफियान सौरी हूँ। उसने कहा अगर तू अपने ज़माने का यकता ना होता और मैं ना बताता और अपना राज ना खोलता। फिर उसने कहा मैं और मेरे वालिद हज को जा रहे थे, एक जगह पहुँच कर मेरा बाप बीमार हो गया, मैं इलाज का अहतमाम करता रहा, एकदम उनका इंतकाल हो गया और मुँह काला हो गया। मैं देख कर बहुत ही रंजीदा हुआ और इन्ना लिल्लाह पढ़ी और कपड़े से उनका मुंह ढक दिया। इतने में मेरी आंख लग गई, मैंने ख्वाब में देखा कि एक साहब जिनसे ज़्यादा हसीन मैंने किसी को नहीं देखा और उनसे ज़्यादा साफ़ सुथरा लिबास किसी का नहीं देखा और उनसे ज़्यादा बेहतरीन खुशबू मैंने कहीं नहीं देखी, तेज़ी से कदम बढ़ाए चले आ रहे हैं। उन्होंने मेरे बाप के मुँह से कपड़ा हटाया और उसके चेहरे पर हाथ फेरा तो उसका चेहरा सफ़ेद हो गया। वो वापस जाने लगे तो मैंने जल्दी से उनका कपड़ा पकड़ लिया और मैंने कहा अल्लाह ताला आप पर रहम करे, आप कौन हैं? आपने और आपकी वजह से अल्लाह ताला ने मेरे बाप की मुसाफरत में एहसान फरमाया। वो कहने लगे तू मुझे नहीं पहचानता, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला साहिब कुरान हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तेरा बाप बड़ा गुनाहगार था लेकिन मुझ पर कसरत से दुरूद भेजता था, जिस पर यह मुसीबत नाजिल हुई तो उसकी फरियाद को पहुँचा और मैं हर उस शख्स की फरियाद को पहुँचता हूँ जो मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ता। अल्लाह के नबी फरियादें पूरी करने वाले अल्लाह ताला नहीं हैं, खुद ही मदीने से तशरीफ़ ले आते हैं। ये तो एक वाकया है, इससे एक बड़ा वाकया भी इसमें मौजूद है कि बादल में तशरीफ़ लेकर आते हैं, यहाँ तो उसके बाप के मुंह पर हाथ फेरा, वहाँ माँ के मुंह और पेट पर हाथ फेरते हैं।
तो ये लोग हैं जो इनके अकायद हैं जो हमने बयान किए हैं। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर फिर इन्होंने हमसे सभी गुफ्तगू करने का कहा तो इंशाल्लाह हम इनके बाकी अकायद भी जो इनकी किताबों में मौजूद हैं हम इंशाल्लाह वो बयान करेंगे, जिसमें उनके वो अकीदे कुफ्रिया शिरकिया जो हैं वो भी बयान कर देंगे। इसमें एक आध चीज़ जो है वो भी मैं थोड़ी सी बयान कर देता हूँ कि अकीदा वहदतुल वजूद में एक और शेर है जो ये कहते हैं, इश्क माशूक आशिक इक कहकर सिरे वहदत समझा दिया किसने, कि इश्क भी वही चीज़ है, माशूक भी वही है, आशिक भी वही है। आशिक इश्क करने वाले को कहते हैं, माशूक जिससे इश्क किया जाता है उसको कहते हैं, और इश्क वो फेल होता है जो आशिक करता है। कहते हैं आशिक भी वही है, माशूक भी वही है, इश्क भी वही है। ये जो वहदतुल वजूद का जो अकीदा है जो हमें समझ नहीं आ रहा, इन सब को एक कहकर हमें ये अकीदा समझ आ गया। ये है सफ़ा नंबर 215 पर, और इसी तरह सफ़र नंबर 205 पर भी आखिरी शेर जो उनका गज़ल है उसका आखिरी शेर मैं पढ़ देता हूँ, जिसमें वो ये कहते हैं, हो आस्ताना आपका इमदाद की जबी और इससे ज़्यादा कुछ नहीं दरकार या रसूल अल्लाह। कहते हैं अल्लाह के रसूल आपका दर हो और सजदे कौन कर रहा हो, इमदादुल्लाह महाजर मक्की, नबी की कब्र पर सजदा करना शिर्क है। हम भी अल्लाह के नबी ने फरमाया, लानत करे अल्लाह ताला यहूदियों और ईसाइयों पर, इत्तखज़ू कुबूर अंबियाएहिम मसाजिदा, इन्होंने नबी की कब्रों को सजदा गाह बना लिया। ये अल्लाह के नबी ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में बात बयान की। आपने चादर अपने चेहरे से हटाई, बुखार आपको चढ़ा हुआ था, आपने फरमाया लअनल्लाहु अल-यहूद वन्नसारा, अल्लाह लानत करे यहूदियों और ईसाइयों पर, उन्होंने अपने कब्रों अपने अंबिया की कब्रों को सजदा गाह बना लिया। और यहाँ ये कह रहे हैं, हो आस्ताना आपका इमदाद की जबीं, कि अल्लाह के नबी दर आपका हो और पेशानी इमदादुल्लाह महाजर मक्की की हो और इससे ज़्यादा कुछ नहीं दरकार या रसूल अल्लाह। तो ये है इन लोगों के अकायद और इन लोगों की बातें। रूमी का अशआर जिसको हाजी ज़करिया साहब अपनी किताब में तबलीगी निसाब में ज़िक्र करते हैं, कहते हैं, तरहम या नबी अल्लाह तरहम, ए अल्लाह के नबी रहम कीजिए, ए अल्लाह के रहम कीजिए, रहम करने वाला अल्लाह ताला है। उसके सफ़ा नंबर 806 पर उनके अशआर का तर्जमा करते हुए आप ये कह रहे हैं कि आज़ों की दस्तगीरी, बेकसों की मदद फरमाइए और मुखलिस उशाक की दिलजोई और दिलदारी कीजिए। आज़ों की दस्तगीरी, बेकसों की मदद फरमाइए। बरेलवी कहते हैं, पिराने पीर दस्तगीर, दस्तगीर मैंने दस्त पकड़ने, बाजू पकड़ने, हाथ पकड़ने वाला और उसके उठाने, यही अल्फाज कहते हैं ज़करिया साहब देवबंदी, आज़ों की दस्तगीरी। बरेलवी कहते हैं, पिराने पीर दस्तगीर, ज़करिया साहब क्या कहते हैं, अल्लाह के नबी को आप दस्तगीरी फरमाइए। क्या फ़र्क रहा बरेलवी और देवबंदियों में? ये झूठ है, देवबंदी अहले तौहीद हैं, इनके पीछे नमाज हो जाती है, रिश्ता नाता हो जाता है। बरेलवी शिर्क करते हैं, इनके पीछे नमाज नहीं होती। जो उलमा ये अकीदा रखते हैं उनको आप जाकर ये सीढ़ी तोहफे में दीजिए, ताकि उनको भी पता लगे कि इन लोगों के अकायद क्या वाकई अकायद हक्का हैं, तौहीद वाले हैं, या इनके अकायद कुफ्रिया शिरकियाँ हैं। जो हमारा दावा था हमने वो साबित कर दिया कि उलमाए देवबंद के अकायद कुफ्रिया शिरकियाँ हैं, और उनके अकीदे की किताबों से हमने साबित किया। कोई जाकर ये ना कहे कि ये उन्होंने अपनी तरफ से कोई किताबें उठाई हैं और इनके फ़ोटो जो हमने दे दिए हैं, लिहाजा हर आदमी दे सकता है। गुस्ताखी अल्लाह और उसके रसूल की तो टॉपिक बहुत तवील है, और इंशाल्लाह कभी फिर मौका मिलेगा तो हम बयान करेंगे। इसी के साथ हम आपसे चाहते हैं वाखिरमदिलमीन। अब अगर किसी ने कोई सवाल करने हैं मुख्तसर तो सवाल कीजिए, क्योंकि सवा 12 बजे हैं और नमाज का वक्त। शाह साहब अक्सर ये आप मेरे ख्याल उनको कर लेने दीजिए पहले, ताकि टाइम बच जाए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, वही करेंगे। अक्सर ये लोग नज़ुलुल अबरार और उर्फुल जादी, ये दो स्पेशल किताबें ये पेश करते हैं, ये उलमाए अहले हदीस की किताबें हैं और उनमें जो मसाइल मौजूद हैं वो भी उलमाए अहले हदीस के अकायद और मसाइल हैं उनके, तो इसके बारे में वजाहत कीजिए। उन्होंने एक किताब ये छापी है, ये नफ्स के पुजारी,
और इसमें उन्होंने ज़्यादा जो उनके हवाले दिए हैं वो नज़रुल अबरार और उर्फुल जादी के हैं, और चंद एक हवाले दूसरी किताबों के उन्होंने दिए हैं। तो ये मैं पहले आप इसकी वजाहत कर दें कि ये किताबें किन की हैं और किन लोगों ने लिखी हैं और इनका हमारे साथ कुछ ताल्लुक है या नहीं है, फिर मैं मसाइल आपको बताता हूँ, आप बताइए। असल में ये लोग चाहते हैं कि तालाब में सब नंगे हो जाएं, जब सब नंगे हो जाएंगे फिर एक दूसरे को क्या बुरा कहेंगे, तालाब में सब नंगे हैं तो एक दूसरे को क्या कहेंगे कि हम भी नंगे हैं तुम भी नंगे हो, सब नंगे हैं भाई। बाज लोग एक बस्ती से आ रहे थे, उनकी नाकें ठीक थी और जिस बस्ती की तरफ वो जा रहे थे उनके नाक कटे हुए थे। अब जब ये लोग करीब आने लगे तो जिनके नाक कटे हुए थे उन्होंने सोचा कि ये तो हमारा मजाक उड़ाएंगे, क्यों ना हम ही इनका मजाक उड़ाने लग जाएं। जब वो करीब पहुंचे कहने लगे, वो नक्कू आ गए नक्कू आ गए नक्कू आ गए, यानी जिनके नाक हैं वो आ गए। भाई नाक तो ऐब नहीं है, नाक तो सिफ्त है, उसकी खूबी है, जिनके नाक कटे हुए हैं ये उसमें बुराई मौजूद है। तो इनका हाल बिल्कुल ऐसे ही है, ये कहते हैं कि किसी तरीके से हम इन पर भी वही बात उछाल दें जो ये हम पर उछाल रहे हैं। हम इन पर क्या इल्ज़ाम लगाते हैं कि तुम अल्लाह और उसके रसूल के मुकाबले में अपने इमाम की तकलीद करते हो, उनके मसाइल मानते हो या अपने उलमा की बातें मानते हो। अब इन्होंने कहा कि इसका अब जवाब तो कोई नहीं, वाकई वो मानते हैं अपने उलमा की बातें, जैसा कि हमारा यूनुस नुमानी से मुनाज़रा हुआ और उस मुनाज़रे में उन्होंने सबसे बड़ा एतराज़ ये किया कि ये जो है दलील कतई नहीं है, ये माना कि ये बुखारी में आई है कि कुरान कुछ कह रहा है, हदीस कुछ कह रही है और फिकह हनफी कुछ कह रही है, तकलीद वो उसी की कर रहे हैं, जैसा कि उसमें एक हवाला भी मौजूद था कि सूरत फातिहा को पेशाब से भी लिखा जा सकता है, अगर किसी को पता हो कि इसमें शिफा है और उसकी नफसीर बह रही हो तो अपने खून और अपने पेशाब से सूरत फातिहा को पेशानी पर लिख दो तो उसमें जो है वो वहवल फतवा, फतवा हमारा इसी पर है, मुफ्ता में ये कौल है कि इस पर फतवा भी वो दे रहे हैं। तो ये लोग इस बात को तो पहचानते हैं कि कुरान और हदीस हमारे मसाइल को साबित नहीं करती, बल्कि कुरान हदीस में कुछ है और हमारे मसाइल कुछ हैं, लिहाजा उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जोर ये लगाया है कि चलो अहले हदीसों को भी ये कहो कि अहले हदीसों तुम भी हमारे तरह नंगे हो, इस तालाब में हम सब नंगे हैं, क्यों कि तुम्हारी किताबों में भी यही कुछ लिखा हुआ है। पहली बात यह है, हमारा अकीदा क्या है कि अल्लाह और उसके रसूल के मुकाबले में हम किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर किसी की बात अल्लाह और उसके रसूल से टकरा जाएगी हम उसकी बात को रद्द कर देंगे, उसकी बात को तस्लीम नहीं करेंगे, ये हमारा अकीदा है और ये अकीदा हम तकरीबन हर जुमे बयान करते हैं, ये वाजे है, कोई ये छुपी हुई बात नहीं है कि कोई आदमी ये समझे कि शायद ये छुपाई हुई बात है जो आज वाजे कर रहे हैं। ये अकीदा तमाम लोगों ने हमारी तकरीर हमारे दुरूस को सुना। अब महमूदुल हसन हो, ये अपना वहीदुज़्ज़मा साहब हो, नवाब सदीकुल हसन खां हो या कोई और हो, अगर कोई ऐसी बात लिखता है जो कुरान और हदीस से टकराती है हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। वहीदुज़्ज़मा के जो ज्यादा ये हवाले पेश करते हैं, हयात वहीदुज़्ज़मा में ये बात मौजूद है कि जब वहीदुज़्ज़मा असल में पहले शिया था, इनका भाई अहले हदीस था, उन्होंने वहीदुज़्ज़मा को इस तरफ लगा दिया कि तू तर्जमे किया कर, अहादीस के तर्जमे किया कर, वो अहादीस के तर्जमे करता करता हदीस पर अमल करने लग गया। अकीदे में अभी वही बिगाड़ मौजूद था, इसलिए बुखारी शरीफ की जो तर्जमा हमारे यहाँ छपा हुआ है, वहीदुज़्ज़मा का जो तर्जमा और हाशिया मिलता है उसमें यजीद को लिखा है कि यजीद पलीद है, ये शिया की जबान है जो वो बोल रहा है। वहीदुज़्ज़मा साहब ने जब इस तर्जमे शुरू किए वो अहादीस पर अमल करने लगे, लेकिन अकीदा वही बिगड़ा हुआ रहा। इसलिए जब उलमाए अहले हदीस ने उनकी ये किताबें देखी वहीदुज़्ज़मा की देखी तो उनसे इख्तलाफ किया और उनसे नाराज हो गए। जब वहीदुज़्ज़मा की जिंदगी में ही उलमाए अहले हदीस इन किताबों से बरात का इजहार कर गए हैं तो अब इनको हमारे लिए हुज्जत बनाकर पेश करना कोई दुख बनती है? हमें या तो गैर मुकल्लिद ना कहो, एक तरफ हमें कहते हैं कि तुम गैर मुकल्लिद हो, गैर मुकल्लिद का माना क्या कि ये अल्लाह और उसके रसूल के अलावा किसी की बात नहीं मानते, ना इमाम अबू हनीफा की, ना शाफई की, ना मालिक की, ना अहमद इब्ने हंबल की और ना बाकी इमामों की,
نہ شیعہ کے بارہ اماموں کی. جب ایک طرف تم ہمیں غیر مقلد ڈکلیئر کر چکے ہو کہ یہ غیر مقلد ہیں, تو ہم پر جو چیز حجت ہے وہ قرآن و حدیث ہے جس کو ہم مانتے ہیں, جو ہمارا دستور ہے. آج تک کیا ہم نے اپنی تقاریر میں کسی کو یہ کہا ہے کہ نزل الابرار ہماری کتاب ہے اس پر عمل کرنا چاہیے, عرف الجادی ہماری کتاب ہے اس پر عمل کرنا چاہیے, یا کنز الحقائق جو ہے وہ ہماری کتاب ہے اس پر عمل کرنا چاہیے. اب یہ کتاب جو چھاپی ہے جمعیت اہل سنہ لاہور دیوبندیوں نے یہ کتاب چھاپی ہے ہمارے لیے کہ یہ لو تم, تمہاری یہ کتابیں ہیں چھاپ ہم رہے ہیں. کیوں؟ وہ اس تالاب میں ہم سب کو ننگا دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم کہیں, تم کہو گے کہ تم امام بنیفا کے مقلد ہو, ہم کہیں گے تم وحید الزماں کے مقلد ہو, تم نواب صدیق حسن خان کے مقلد ہو. حالانکہ ہماری تقاریر اور ہمارے دروس میں اس بات کا واضح اعلان ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں مانتے. اور تم یہ کہتے ہو محمود الحسن نے یہ بات لکھی ہے تقریر ترمذی میں, کیا کہتے ہیں؟ الحق والانصاف ان الترجیح للشافعی فی هذه المسئلہ, اس تجارت کے مسئلے میں حق اور انصاف کی بات یہی ہے کہ امام شافعی کو ترجیح ہے. کیوں؟ پچھلی لائنوں میں ذکر کرتے ہیں من جہت الاحادیث والنصوص, قرآن کی آیات امام شافعی کا ساتھ دے رہی ہیں, نبی کی احادیث امام شافعی کا ساتھ دے رہی ہیں. جب قرآن کی آیات امام شافعی کا ساتھ دے رہی ہیں اور نبی کی احادیث امام شافعی کا ساتھ دے رہی ہیں, تو تم کیوں نہیں قرآن حدیث پر عمل کرتے, اس مسئلے کو کیوں نہیں مانتے؟ کہتے ہیں نحن مقلدون یجب علینا تقلید امام ابی حنیفہ تا, ہم مقلد ہیں اپنے امام کے, ہم پر ہمارے امام کی تقلید واجب ہے. حق اور انصاف مانتے ہوئے کہ حق کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے باطل, انصاف کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے ظلم اور زیادتی, حق اور انصاف یہی ہے کہ بات امام شافعی کی قرآن حدیث کے مطابق ہے. لیکن ہم یہ قرآن حدیث والی بات ماننے کے لیے اس لیے تیار نہیں کہ ہم اپنے امام کے مقلد ہیں. تم یہ بات کہتے ہو کہ تم امام قرآن حدیث کے مقابلے میں تم اپنے امام کی تقلید کرتے ہو, یہ بات ثابت ہے. لیکن ہم کتاب و سنت کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام کی بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. ہمارا عقیدہ تو دیکھو, ہاں عقیدے کے مطابق ہم پر اعتراض کرو کہ تمہارے قرآن میں یہ لکھا ہے, تمہاری حدیث میں یہ لکھا ہے, جیسا کہ یہ اپنی تقاریر میں کہتے ہیں اہل حدیثوں کی بخاری میں یہ لکھا ہے. وہ مانتے ہیں اس بات کو کہ اہل بخاری اہل حدیثوں کی ہی ہے. ہاں تم بخاری کی احادیث پر اعتراض کرو, ہم انشاءاللہ جواب دیں گے, لیکن تم کہیں وحید الزماں کو پیش کرتے ہو, کہیں نواب صدیق کو پیش کرتے ہو, کہیں ثناء اللہ امرتسری کو پیش کرتے ہو, یہ ہمارے لیے حجت نہیں. اگر ہم تمہاری طرح گو کھاتے تو تم اس کو پیش کر سکتے تھے, لیکن ہم نے پہلے دن ہی سے اس بات کا اعلان کیا, ہمارے ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے اور دوسرے ہاتھ میں محمد رسول اللہ کا فرمان. کہتے ہیں یہ امین صفدر امین اکاڑوی کی کتاب ہے مجموعہ رسائل, جس کی موت مباہلے کی وجہ سے ہوئی. امین اکاڑوی کے ساتھ ہمارا مباہلہ ہوا, عابد پور ایک جگہ ہے کبیر والا, اس کی تحصیل ہے, ضلع اس کا پہلے خانے وال تھا, ملتان تھا اب خانے وال ہے. وہاں پر جب ہم نئے اہل حدیث ہوئے, میرے درمیان اور اس کے درمیان مناظرہ طے ہوا تھا, مناظرہ نہ ہو سکا اور ان کے درمیان اور ہمارے درمیان مباہلہ ہوا, اور مباہلے میں وہ آدمی جو ان کی جماعت کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا تھا بغیر وضو کے مباہلہ کرنے لگا, تو ہم نے اس کو زبردستی وضو کروایا. وضو کروانے کے بعد ہم نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ہم میں سے جو حق پر ہے وہ زندہ رہے, اور جو باطل پر ہے جس کا مذہب باطل ہے وہ اس کی زندگی میں فوت ہو جائے جو حق پر ہے. الحمدللہ ہم زندہ ہیں اور وہ مر چکا. یہ وہی امین اکاڑوی ہے جس کی کتاب مجموعہ رسائل ہے, جس میں وہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 6 پر, غیر مقلدین میں اگرچہ کئی فرقے اور بہت سے اختلافات ہیں, اتنے اختلافات کسی اور فرقے میں نہیں ہیں, مگر ایک بات پر غیر مقلدین کے تمام فرقوں کا اتفاق اور اجماع ہے, وہ یہ ہے کہ غیر مقلدوں کو نہ قرآن آتا ہے نہ حدیث, کیونکہ نواب صدیق حسن خان, میاں نذیر حسین, نواب وحید الزماں, میر نور الحسن اور مولوی محمد حسین اور مولوی ثناء اللہ وغیرہ نے جو کتابیں لکھی ہیں, اگرچہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن و حدیث کے مسائل لکھے ہیں, لیکن غیر مقلدین کے تمام فرقوں کے علماء اور عوام بالاتفاق ان کتابوں کو غلط قرار دے کر مسترد کر چکے ہیں. جادوگر جو سر چڑھ کر بولے الفضل ما شاہدت بہ الاعداء, جیسا کہ عربی میں کسی نے کہا تھا کہ جو فضیلت اس بات میں ہوتی ہے کہ دشمن گواہی دے, جیسے اللہ کے نبی کے بارے میں دشمنوں نے گواہی دی تھی کہ یہ صادق ہے, یہ امین. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جو غیر مقلدین حضرات ہیں وہ ان کتابوں کو رد کر چکے ہیں. جب ہم رد کر چکے ہیں تو ہمارے سامنے پیش کیوں کرتے ہو؟ اب یہ جو کمپلیٹ چھپا ہے اس میں مختلف مسائل لکھے ہیں, ہم ان مسائل کو مانتے ہی نہیں.
हाँ एक और हवाला तज़करतुर रशीद का कि रशीद अहमद गंगोई साहब कहते हैं आपने कई मरतबा बहैसियत तबलीग ये अल्फाज ज़बान फैज़ तर्जमान से फरमाए, ये है इनका अकीदा असल। सुन लो हक वही है जो रशीद अहमद की ज़बान से निकलता है, और मैं और बकसम कहता हूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ मगर इस ज़माने में हिदायत और निजात मौकूफ़ है मेरे इत्तेबा पर। रशीद अहमद गंगोई कहता है हक वही है जो मेरी ज़बान से निकलता है, उधर अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरी ज़बान से हक ही निकलता है, ला यखरुज मिन्हु इल्ला हक्कुन, मेरी ज़बान से जब बात निकलेगी हक निकलेगी। ये किसको फरमाया? अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस को आपने हदीस लिखने का हुक्म देते हुए फरमाया कि तुम हदीस क्यों नहीं लिखते। लोगों ने कहा, उन्होंने जवाब दिया कि लोग कहते हैं कि ना लिखा करो, पूछ कर लिखा करो, हो सकता है कोई बात सही हो कोई गलत हो। उस मौके पर अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे मुँह से जो बात निकलेगी हक निकलेगी। और ये रशीद अहमद गंगोई कहते हैं हक वही है जो रशीद अहमद गंगोई की ज़बान से निकलता है, और वो कहते हैं कि इस ज़माने में हिदायत और निजात मेरे इत्तिबा पर मौकूफ़ है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन आतानी दखल अल जन्ना, जो मेरे पीछे चला जिसने मेरी इत्तिबा की वो जन्नती है। और ये कहते हैं कि हिदायत और निजात मेरे इत्तिबा पर है, ये नबी का मुकाबला नहीं तो क्या है? गैर मुकल्लिद हैं या हम अहले हदीस हैं? ये वाज़े करें, हम अहले हदीस हैं, मुकल्लिद का मुतज़ाद मौक़िफ़ होता है। चाहे ये हमको गैर मुकल्लिद का लकब हमें किसने दिया, इन्होंने दिया कि हम मुकल्लिद हैं, हम चार इमामों को मानने वाले हैं और ये गैर मुकल्लिद हैं। हमने कहा चलो जब गैर मुकल्लिद खुद कह रहे हो, हम अहले हदीस हैं, ये तो बात वाज़े है, तुम जब हमें गैर मुकल्लिद करार दे रहे हो तो फिर हमारे मुकाबले में वो किताबें क्यों पेश कर रहे हो जिनको हम खुद रद्द कर चुके हैं? हाँ जी, वो आप क्या सवाल करें थे, पूछें पहले आप, वो पूछें पहले उनका सवाल। कब्रिस्तान में जाना सुन्नत है, वहाँ जाकर दुआ करना सुन्नत है, लेकिन अगर उसका अकीदा सही है उसके लिए दुआ करें, अगर वो कब्रों का पुजारी मरा है उसके लिए दुआ कोई नहीं। मतलब है कि अगर माँ बाप जो है ना फौत हो जाए, हाँ उनके लिए जा सकते हैं, जिसका अकीदा सही है वो जाए और उनके लिए दुआ करे, जाना सुन्नत है, कौन मना करता है? ये शरीयत या जहालत मोहम्मद पालन हक्कानी हनफी की किताब है, देवबंदी की किताब है। कहते हैं हमारे हनफी मसलक में काफर को भी ए काफर कहना मना है, तो फिर एक मुसलमान को काफिर कहना और लोगों से कहलवाना कैसे जायज़ होगा? बड़ी शर्म की बात है कि हमारे ज़माने में बाज़ लोग फसाद, गुस्स, इनाद और फिरका परस्ती के झगड़ों में मुब्तला हो गए हैं। अपनी पेट भराई के लिए दूसरों को लिहाबी, वहाबी, बिद्दती, गुमराह, काफिर, गैर मुकल्लिद वगैरह वगैरह कहते फिरते हैं। ऐसे लोग नफ्स परस्त होते हैं, यानी उन देवबंदी उलमा ने खुद इसकी तरदीद की कि ये जो गैर मुकल्लिद हमारे हदीसों को कहते फिरते हैं, कहीं वहाबी कह देते हैं, तो ये सही नहीं, ये नफ्स परस्त। अच्छा हजरत, मसला ये है कि आपके बयान सुना, आपका दर्स सुना, कुछ किताबें हमारे उधर हैं जो मेरे देखने में आई हैं, तो हमारे भी उलमाए कराम आए, बात नहीं बन सकी, बोल ऐसा था कि नहीं हो सकी बात, बात बनी नहीं या बनाना नहीं चाहते थे? चले जो भी आप बड़े हैं, तो नहीं कर सकते, तो नहीं जो बात है, क्योंकि मेरा इतना शहूर वो नहीं है, पढ़ाई नहीं है कि मैं वो करूँ, तो मैं अब उनके पास भी इतनी किताबें थीं, इससे चले कम होंगी, जिसमें आप इस बात को जरा वाज़े कर दें ना, ताकि इसकी भ्रम ना रहे, बात बनी नहीं या वो बनाना नहीं चाहते, वो तो आए थे, आपका तज़िया क्या है? सही सही, वो तो आए थे, आपके मुताबिक मैं बिल्कुल ना उनकी साइड ले रहा हूँ, अल्लाह को हाजिर नाजर जान के, ना आपकी, वो भी आए थे, लेकिन अब आगे यहाँ जगह कम जो भी है वो उसको एक अलहदा कर दें, ठीक है? जगह का नहीं था, जगह यही कह सकते हैं आप, उन्होंने कहा जी कुर्सियां रखें, इस तरह बात इधर से चार यहाँ से बोलते थे, एक दो वहाँ से मसला गड़बड़ हो रहा था, बाहर जाके खप पड़ गई, हमने तो कहा था कि तीन आदमी आ जाएं, तीन हमारे होंगे, अब वो इतने बड़े मजमे को कंट्रोल कौन करे, उधर से कोई बोलता, हालांकि उनको वहाँ से मना लाए क्यों वहाँ से, वो आपके किसी साथी ने वो पता नहीं कोई ऐलान किया, फिर इस तरह बात तो फैल जाती है, नहीं लाने को मना भी कर, हम भी मिला सकते थे, हमने मना करे, चले बैठे, अच्छा चले जो भी, अब उनके पास जो किताबें थी काफ़ी चले इससे कम होंगी, उसमें आपके जो पढ़े लिखे हैं उन्होंने हवाले दिए हैं,
تو اب کس طرح وہ کیا جائے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے, وہ تو سارے وہ بھی اٹھا کے لائے تھے. وہ کون سی کتابیں لائے تھے؟ کافی کتابیں تھیں جس طرح یہ ہماری پڑھی ہوئی ہیں, فضائل اعمال ہے اور جو اسی قسم کی کتابیں لائے تھے جو عرف الجادی ہے, یہ کنزالقائق ہے, یہ وہ آپ کے اس ہمارے ہمارے علماء بھی کتابیں لائے تھے. جی جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کے علاوہ کسی کی بات مانتے ہی نہیں, ٹھیک ہو, جس کی بات قرآن حدیث سے ٹکرا گئی ہم مانتے ہی نہیں, اگر کسی نے لکھا غلط لکھا. جب آپ خود اپنے اچھا کچھ چیزیں ایسی کہ وہ انہوں نے کہا کہ آپ حدیث سے ثابت, انہوں نے کہا تھا کہ ہم کروائیں گے جو آپ کرتے ہیں. کیا ثابت مثلاً کوئی مثلاً پہلے یہ کہ آپ تراویح 20 پوری پڑھتے ہیں آپ لوگ, دوسرا یہ کہ وتر میں جو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنی ہے وہ حدیث سے ثابت ہے. ہم کرتے ہم سب کچھ کرتے, مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ آپ اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ مسائل میں بھی پڑھے ہی نا. بنیاد کیا ہے عقیدہ؟ جس آدمی کا عقیدہ کفریہ شرکیہ ہو اسے نماز پڑھنے کا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں نا, کوئی بھی عمل کرنے کا اسے فائدہ نہیں. ان کو یہ کہو کہ تم ثابت یہ کرو کہ اہل حدیثوں کے عقائد کفریہ شرکیہ ہیں. بہرحال میں اس کا فائنل بہتر یہی ہے کہ اس پروگرام کو دوبارہ ٹائی اپ کیا جائے, 10 بندے صرف آپ کے بیٹھیں, 10 ان کے بیٹھ جائیں, جنہوں نے بولنا ہے وہ بولیں, آپس میں مناظرہ بات کرنی ہے اس کو کلیئر. کون کرے گا؟ میں اپنے ان کو کہوں گا کہ میں تو وہیں تھا آخری ٹائم تک, میں نے ان کی بات سنی, مجھے تسلی ہوئی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر زیادہ بھی بیٹھنا چاہتے ہیں آپ وہ کریں اور کوئی اس کا کلیئر کریں, وہ اپنا بولیں, آپ اپنا موقف. اچھا فرض کریں آپ کی بات پر وہ تیار نہیں ہوتے, نہیں آتے, پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ غلط ہوں گے. تو غلط ہوں گے, صحیح ہے. ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں, ٹھیک ہو, پوری پوری اجازت دیتے ہیں, ٹھیک ہو. آپ جائیں 10-10 آدمیوں کی بات ان سے طے کریں, ٹھیک ہو, کہ 10-10 آدمی ہم آپس میں بیٹھ کر گفتگو کریں گے, چاہے وہ 10 علماء لے آئیں, چاہے وہ عام آدمی لے آئیں. لیکن اس میں یہ کہ کچھ جس پہ وہ بات کرنا چاہیں آپ کریں گے, جس اس پہ بات نہیں, ہم پہلے عقیدے پر بات کریں گے. جیسے آپ نے پہلے یہ بات کہی کہ عمل کا کوئی فائدہ نہیں اس وقت تک جب تک کہ عقیدہ صحیح نہ ہو, ہمارا یہ دعویٰ ہے جس کو ہم ثابت کریں گے. اگر نہ ثابت کر سکے تو ٹھیک ہے, وہ کہہ دیں جی عقیدہ تو ہمارا صحیح ہے دونوں لوگوں کا, ٹھیک ہے. اگر یہ ثابت, اگر یہ عقیدے پر پہلے بات ہوگی ہماری, سب سے پہلے اپنا وہ مواحد ہونا. چلیں ہم آپ کو ایک اور چھوٹ دیتے ہیں, ان کو یہ کہیں کہ اپنے آپ کا مسلمان ہونا امام ابو حنیفہ سے ہی ثابت کر دیں, قرآن حدیث تو دور کی بات ہے, لکھ دیں گے آپ. ہم عقیدے پر گفتگو کریں گے سب سے پہلے, ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ثابت کریں گے کہ علماء دیوبند کے عقائد کفریہ شرکیہ ہیں, اور اگر اس کے مقابلے میں وہ ثابت کرنا چاہیں کہ علماء اہل حدیث کے عقائد کفریہ شرکیہ ہیں, بڑے مزے سے بیان کریں. اچھا دوسرا یہ کہ مجھے 5-6 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا میں ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہوں, مجھے آج تک ان میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی کہ قبروں پہ جا کے یہ قبروں سے مانگتے ہوں, بالکل کلیئر. وہ میں آپ کو فرق بتلا دیتا ہوں, بریلویوں اور دیوبندیوں میں فرق یہ ہے کہ دیوبندیوں کے گٹر کا ٹھکنا بند ہے اور بریلویوں کے گٹر کا ٹھکنا کھلا ہوا ہے. بریلوی قبر پر جا کر جھکے گا بھی, مانگے گا بھی, لیکن دیوبندیوں میں جو عقائد کفریہ شرکیہ ملیں گے ان کی کتابوں میں ملیں گے. کیسے؟ جیسے امداد اللہ مہاجر مکی نے کہا کہ آستانہ آپ کا ہو, یہ کتاب ان کی ہے ہماری, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آستانہ آپ کا ہو اور جبین امداد اللہ مہاجر مکی کی ہو. یہ نبی کے دروازے پر جھکنا, اپنی جبین جھکانا, اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کرنا جائز ہے؟ نہیں جائز ہے, بالکل. یہ لکھا نا انہوں نے, انہوں نے یہ لکھا کہ ہو کہتے کہتے خود اللہ بن جائے. یہ جو آپ نے آج تک آپ نے یہ فضائل صدقات میں یہ بات دیکھی زکریا صاحب کی, کہ زکریا صاحب یہ کہتے ہوں کہ اللہ میں وہی کچھ ہوں جو کچھ تو ہے, میں تیرا ہی ذل تیرا ہی وجود, میں اور تو خود شرک در شرک ہیں. یہ کتاب ہم نے چھاپی یا انہوں نے چھاپی؟ ان کو یہ کہیں کہ اپنی کتابیں اٹھا رہے ہیں ہم ان میں سے نکال کر دکھا دیتے ہیں, جب ان کی چھپی ہوئی کتابوں میں اتنا بڑا کفر موجود ہے, ٹھیک ہے, تو ہم ان پر ان سے مسائل پر گفتگو کیسے کریں؟ آپ پھر اس طرح کریں کہ جو آپ کی وہ چھپی ہوئی ہیں جو آپ کے علماء کرام نے لکھی ہیں, پھر ان کو کوشش کریں کہ رکوائیں. ہم تو چھپر کے ہستے چڑھیں, جو یہ کس نے چھاپی, یہ کس نے چھاپی, ہماری کتاب ہے, چھاپی کس نے؟ اہل سنت, جمعیت اہل سنت نے, صحیح ہو گیا, دیوبندیوں نے. اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم کتابیں نہیں چھاپتے, وہ چھاپتے ہیں. صحیح, ہم نے ان کتابوں کو, امیر اکاڑی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ غیر مقلدین نے ان کتابوں کو رد کر دیا ہے. اچھا دوسرا یہ, ایک منٹ بات پوری شاید, صحابہ اکرام کی شان میں سننے میں آیا کہ آپ کے ساتھیوں سے کہ ہم لوگ گستاخ ہیں, میں نے آج تک کوئی ایسی بات نہیں دیکھی. آپ نے دیکھی نہیں نا؟ نہیں, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. نہیں ہے ہی نہیں کبھی, اگر دکھا دی تو پھر ابھی دکھا دیتا ہوں.
ہمارے کتنے علماء کرام شہید ہوئے آدم تاری آپ کے اس میں ہے ٹھیک ہے شیعہ کے کفر کو لڑکارا ہوا ہے حالانکہ کوئی ایسی جماعت نہیں جو اس ٹائم اس قسم کی مذہبی جنگ لڑ رہی ہو سوائے سپاہ صحابہ یا لشکر جھنگوی ٹھیک ہے اب بھی میں گستاخی ایک بتاتا ہوں امین اکاڑوی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے تجلیات سب کا اس میں انہوں نے ایک حوالہ دیا ہے کہ گدا اور کتیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں ایک گدی اور ایک کتیا آگے صف کے آگے کھیل رہی ہیں اور اللہ اللہ کے نبی اور صحابہ کی نگاہیں گدی کی شرمگاہوں پر پڑ رہی ہیں یہ گستاخی ہے کہ نہیں اور یہ مسئلہ کیا ثابت کرنا ہے ان کی فقہ میں ایک مسئلہ موجود ہے کہتے ہیں کہ اگر عورت کی شرمگاہ شہوت سے دیکھا جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی ہے لیکن قرآن دیکھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے لو نظر المصلی الی المصحف وقرع منہ بطلت صلاته اگر نمازی قرآن کو دیکھ کر پڑھ لے اس کی نگاہ قرآن پر پڑ جائے اور وہ قرآن کو دیکھ کر پڑھ لے کہتے ہیں اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے لا الہ فرج امرأت بشہوت لیکن عورت کی شرمگاہ کو شہوت سے دیکھنے پر نماز باطل نہیں ہوتی اب اس کا انہوں نے جواب کیا دیا ہے کہا دیکھا اللہ کے نبی بھی تو گدی کی شرمگاہ کو دیکھ رہے تھے ان کی نماز باطل ہو گئی صحابہ بھی تو گدی کی شرمگاہ کو دیکھ رہے تھے یہ گستاخی ہے کہ نہیں اور گستاخی میں بتلاتا ہوں حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ غیر فقیہ تھے تمہارے امام تو فقیہ بن گئے سب کے سب اور یہ غیر فقیہ تھے ان کو دین کی کوئی سمجھ بوجھ نہیں تھی کہتے ہیں کہ اگر یہ نبی کی حدیث بھی بیان کریں تب بھی ان کی حدیث کو چھوڑ دو نہ مانو یہ گستاخی ہے کہ نہیں بس ٹھیک ہے حضرت اس کا انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ دوبارہ ٹائی اپ ہو اور وہاں مزید بالکل اگر وہ ٹائی اپ کے لیے تیار نہ ہو تو آپ کا ہمارے ساتھ یہ وعدہ ہو کہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ میں اعلان کروں گا اگر وہ غلط ہیں آپ رک سکتے اور آپ ہمارے ساتھ ٹھیک ہوگی بہت شکریہ وہ محفل سنی ہے دونوں طرف صورتحال دیکھی ہے اس کے بارے میں آپ کیا تبصرہ کرتے ہیں کیا ہم یہ تبصرہ کرتے ہیں جی کہ یار حدیث حق پر ہے باقی جو یہ بندیز ہو گیا وہ سب بھاگ گیا وہ میدان میں نہیں آیا بارے سے نعرہ بازی کی مرشد آ گیا بھاگے میدان چھوڑ شور شرابہ ڈال لیا نہ حدیث سنا ہے اس نے نہ قرآن سنا ہے وہی منافقوں والا بات کیا اور بس شور شرابہ ڈال کے چلا گیا بھاگ گیا السلام علیکم کیا ہے آپ نے دیکھا ادھر کہ آج چند مسائل کے اوپر ڈسکس ہونی تھی اور ہمارے ماشاء اللہ علماء کرام آئے اور ان کے بھی علماء کرام آئے لیکن وہ باہر کھڑے نعرے لگاتے رہے آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مسئلہ کال نہیں تھا جو انہوں نے کیا مسئلہ کال یہ تھا کہ یہ لوگ آ کے ادھر بیٹھ جاتا تو جو قرآن اور حدیث سے وہ بھی دلیل پیش کرتا ہم بھی پیش کرتا تو کوئی مسئلہ حل ہو جاتا لیکن انہوں نے جو کام کیا نا یہ بچوں والا کام کیا بار نعرے بازی شروع کیا اور ادھر سے شور شرابہ ڈال کے واپس چلا گیا یہ مسئلہ کال نہیں تھا آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ یہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ وغیرہ کے نعرے لگائے ہیں حالانکہ یہ توحید کا بڑا دعویٰ کرتے ہیں یہ بڑی اونچی اونچی آواز کے ساتھ انہوں نے نعرے لگائے ہیں اور علماء دیوبند اور یہ ظاہر کیا لوگوں کو تاثر یہ دیا کہ جیسے ہم جیت کے جا رہے ہیں یہ تو بات ہے نا کہ دعویٰ اور کسی کا کرتا ہے اور کام اور طرح کرتا ہے تو اس لیے یہ مناظرہ بھی منعقد ہوا تھا تو یہ لوگ جب نہیں بیٹھا تو پھر بات ختم ہو گئی بھائی آپ نے کیا دیکھا ہے آج جو سارا معاملہ ہوا ہے اس میں آپ کس کو کہنا میں غلطی کے اوپر سمجھتے ہیں بھائی جی اصل ہمارا جو دیکھنا ہم نے یہ تھا کہ آمن سے بات ہو جائے کوئی شرارت نہ ہو تو جو آمن سے بات ہوتا ہے اس کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ قرآن و حدیث پہ آرام سے بات کیا جائے تو تب بات ظاہر ہو جاتا تھا مگر انہوں نے کافی بندے اکٹھا کیا وہی بندے اکٹھا کیا جو مومن نہیں تھا ان لوگوں کو ہم جانتا ہے وہ شریر قسم کے لوگ ہیں نشئی شرابی لوگ ہیں جو انہوں نے لایا تھا ادھر ہی اور انہوں نے نعرہ بازی کیا کہ پلان جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ سب باتیں انہوں نے کیا تو قرآن و حدیث پہ یہ
बैठा नहीं है, मुतफिक नहीं है। इन्हें आपने देवबंदियत के इन्होंने नारे लगाया और ये इस्लाम दीन का जो ताल्लुक है इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। यानी कि आपने ये वादे तौर पे देख लिया कि इनके पास हक नहीं है, अगर हक होता तो ये लाजमी बैठते सामने आते और बात करते, जो दलाइल हम पेश करते उनका वो रद्द करते, ठीक है, जो हम उनके ऊपर इतराज़ात करते उनका वो रद्द करते। लेकिन जब उनको पता चला कि हम ये इतराज़ात के जवाब नहीं दे सकते तो उन्होंने बाहर से ही शोर वगैरह डाल के इसी में आफिया समझी कि वो चले जाएं। असल में ये आया इसलिए था कि कोई शर ये बनाए और झगड़ा करे और मारपीट करे चली जाए, मगर हम ये नहीं चाहता था कि यार कोई ऐसा बात खड़ा हो जाए। तो हमने अमन से जो है ना, हम बैठा था और हमने सुन लिया और देख भी लिया कि ये लोग हक़ पे नहीं है और बातिल है, और बातिल का भागना मुकद्दर है। जैसा ये भाग गया इसी तरह इंशाल्लाह सब बातिल भागने वाला चीज़ है जो भाग गया। बिल्कुल जार हक व जहक अल बातिल जी इन्नल बातिल काना ज़हूका, इनकी तादाद ज़्यादा थी और लोगों की ज़्यादा। तो आप यहाँ एक और बात भी बतलाएँ कि वो इतनी ज़्यादा तादाद क्यों लेके आए थे, जबकि जो दूसरी तरफ थे जो अहले हदीस हैं वो सिर्फ मेरा ख्याल 20 के करीब थे, जबकि वो 60-70 से भी ज़्यादा मालूम होता है, इससे भी ज़्यादा थे। उसका जो यानी कि मसले है वो इस बात पे है कि ताकत पे है, लोगों को पकड़ता है और ताकत पे वो जो है ना अपना दिन पलाता है। हालांकि हमारे पास कुरान और हदीस है, हम कुरान और हदीस के ज़रिए से लोगों को समझाता है और उसी पर जो है ना वो रहता है, और उनके पास ताकत और बदमाशी है। जैसा इन्होंने दिखाया इसी तरह जनाब वो करता रहता है। भाई आप भी इधर थे? जी मैं इधर था जब पहला प्रोग्राम हमारा हुआ जिसमें हमने इन्हें दावत दी कि दर्स होगा। तो आपने जो अंग्रेज़ों वाली बात इस्तेमाल की कि ये अहले हदीस वाले अंग्रेज़ों की पैदावार हैं, तो वो यहाँ आए बाज़ाब्ता तौर पर, हमने मेहमान नवाजी की उनकी, यहाँ बैठे, फिर उनकी तरफ से जो 5 आदमी थे उन्होंने ये तहरीरें लिख कर दी और उस पर दस्तखत हुए 5-5 आदमियों के कि हम इस पर मुनाज़रा करेंगे। जब वो पीछे से उन्होंने कोई बात की किसी अपने उलमा से, तो उन्होंने फिर कोई नया कहा कि जी नहीं आप तहरीर लिखवा लें, फिर वो तहरीर लिखाई गई, फिर उसको बदला गया, फिर जब वो उस पर भी बात करने के लिए तैयार नहीं थे, यानी कि दलायल नहीं थे किताब सुन्नत के मुताबिक, इस तरह उनकी ये मुख्तलिफ तहरीरें बदलती रही बार बार। और जब यहाँ आए तो यहाँ पहली तहरीर में उन्होंने इस बात को पहले तहरीर लिखवा कर, जब मौलाना फारूकी साहब ने यह जाहिर किया कि ये दियाबंद की बुनियाद कब रखी गई, तो उन्होंने कहा जी कि हमारा ये एतराज़ है, हम दियोबंदी है ही नहीं, आप यहाँ से काट दें। इस बात पर वो इसरार करने लगे, फिर फारूकी साहब ने वो काट दिया कि दियोबंद नहीं है। आज जब उन्होंने कहा जी हम हनफी हैं, तो आज जब उन्होंने नारा लगाया तो उस नारे में ये बात उन्हीं की बताई हुई बात थी कि हम दियोबंद नहीं, उसी पर वो नारा लगवाया कि नारा रसालत या रसूलुल्लाह और दियोबंद मसलक जिंदाबाद। वो जिस आदमी की ये जबान ही नहीं कि वो मिंबर रसूल के पास बैठ कर कहता है कि यहाँ से काट दें हम दियोबंद नहीं है, तो आज जब मुनाज़रे के लिए आए तो दियोबंदी के नारे लगवा रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ क्या मुनाज़रा हो सकता है जो किताब सुन्नत का इलम नहीं रखते, सिर्फ जहालत पर जोर दे रहे हैं लोगों को, और लोगों में ये तासर दिखाना चाहते हैं कि हमने नारेबाजी की, हम बाहर हैं। उनके पास दलाइल होते हैं तो वो आराम से बैठते और बात करते किताब सुन्नत के मुताबिक, लेकिन दलाइल ना होने की वजह यही थी कि लोगों का मजमू इकट्ठा करना, लोगों को इकट्ठा करना और फिर शोर शराबा करके वापस चला जाना। मकसद उनका सिर्फ इतना था कि लड़ाई झगड़ा होगा जिससे ये साबित हो जाएगा कि हमें मौका नहीं मिला बात करने का, इसलिए हम बात नहीं कर सकते। ठीक है जी, वो बंदा वो जीता मैदान में खड़े होते, जो मैदान से भाग जाते वो हार होते। उनके पास जवाब नहीं था कि अलदीस मोली को हमने जवाब देना है, न उनके पास मोली था। वो आया था कि लोंडे और जो जुई खेलने वाला, उसमें बंदा कोई भी नहीं था। वो सिर्फ इसके लिए आया कि आप भी जारी खड़े और अपना शोशा बनाए वापस आ जाए, लोगों को कहने कि उन्होंने कुंडी लगाया और वो उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला, हम गया था बात करने के लिए लेकिन उन्होंने हमें मौका नहीं दिया। फिर रौनक कर लिया कि आप हमें जो है ना रौनक बनाए, बाकी उसमें बंदा कोई बेसरा नहीं है, न देवबंदी का जो है ना जुबान जुबान है, न वो अलजिस को कभी जवाब दे सकते। इनके लिए उन्होंने बड़ा बड़ा दूर से जो है ना बंदे मंगाए कि हम चलो लड़ने के लिए तैयार हो जाए या झगड़ा हो जाए तो हमारा ताकत ज़्यादा हो जाए, उसकी ताकत कम हो जाए, हम ताकतवर बन जाए। बाकी जब मैं आखिरी ये बात करूँ कि जो मैदान छोड़ने वाला होता है वो जीता नहीं होते, हार होते। तो जिस तरह भाई ने कह दिया कि उन्होंने जो है ना वो बंदे लाया कि वो ना कभी इस तरह बंदे भी था कि कभी मस्जिद गया भी नहीं, उनको मस्जिद जो है ना बैठने उठने का मस्जिद का पता भी नहीं था, असूल का कि मस्जिद में असूल क्या होता है, मस्जिद में किस तरह नमाज, अगर इस्लाम का बात है तो इस्लाम में इस तरह बातें करनी चाहिए कि आराम से बैठ करके, या मस्जिद में हो जिधर भी हो, कुरान मस्जिद का बात हो तो आराम से करना चाहिए, 2 नहीं करने, 4 नहीं करने, 10 नहीं करने, लेकिन आराम से। ये नहीं कि मैं जो है ना इस मालूमात के लिए आ रहा हूँ
मैंने हदीस पढ़ना है, ये पढ़ना है, अब वो मैंने झगड़ा करना है या जो है ना मतलब कि किसी को गाली देना है, बुरा भला कहना है, रोड़ों पे जो है ना नरे तकबीर अल्लाह अकबर, ये भी कोई बात होती है? हमने हिंदू के साथ लड़ रहे कि नरे तकबीर ये जो है ना पढ़ना है। जज़ाकुमुल्लाह जी। तो आज मसला हुआ था, जब पहले हमने दावत दी तो उसकी एक तहरीर बनी थी कि पाँच पाँच बंदे हो गए उलमा के अलावा, लेकिन इन्होंने इतने ज़्यादा बंदे लाए हैं जिससे साफ जाहिर होता है कि ये कोई इलम को समझने नहीं आए बल्कि झगड़ा करने आए हैं, शरारत करने आए हैं और नारेबाजी करते रहे हैं। और नारेबाजी इन्होंने बहुत किया भाई रोड में। ठीक है जी, जरा अस्सलाम। इन्होंने जो कुछ किया अच्छा नहीं किया, ठीक है ना, इन्होंने जो ये नाराबाजी या मतलब ये ऐसा ये कोई भी काम हो, ये पांच पांच आदमी का जो ये हुआ था ना, इनका तय अहल हदीसों का, ये दो बंदियों का, ठीक है ना, तो इन्होंने इतने आदमी ज़्यादा लाए, 250 आदमी था इनका, ठीक है, तो ये इन्होंने वही किया है जो जो वादा किया था वो इन्होंने वही किया कि पाँच आदमी होंगे तो हमारे भी पाँच हो गए, उनके पाँच होंगे, ठीक है, ये तो 5-10 आदमी थे या 20 आदमी थे, ठीक है, तो उन्होंने इतने ज़्यादा आदमी लाए और नाराबाजी और ऐसे जो बुरा बुरा कहना जो अच्छी बात नहीं है, ठीक है, मतलब इससे ज़ाहिर होता है कि ये मुनाज़रा नहीं करना, मुनाज़रा नहीं करना चाहते थे ना, ये तो लड़ाई करना चाहते, शोर शराबा करना, शोर शराबा करने से ये बात हो ही नहीं, ये झूठे थे, बात को टालना चाहते थे, ये तो टालना चाहते थे ना, ये कि बात से बात हो ही नहीं इस मुद्दे पे, ठीक है ना, बात ये इनका जो है ना यही जो है ना, बहुत मैं सुना था कोई मुनाज़रा हो रहा है कोई अहल हदीस और बंदियों के दरमियान, तो मैं जब आया तो इधर तो बाहर झूम था लोगों का और नहायत ही शोर गुल मचाया हुआ था उन्होंने, जो बंदियों का कोई आलम भी था वो बाहर खड़ा था, तो वो तकरीरें नारे मार रहा था, तकरीरें कर रहा था जी बढ़ के, तो वो हमने जाकर कहा मोदी साहब अगर आप आए हैं तो इतनी दूर से तो अंदर भी चलें बात करें मुनाज़रे के लिए, तो वो अंदर नहीं जाने को तैयार थे, बाहर खड़े होकर तकरीर कर रहे थे, तो फिर वो नारेबाजी भी लगाई उन्होंने, या रसूलुल्लाह का भी नारा लगाया, नारा तकबीर भी लगाया, मैंने नारा हैदरी भी लगा दिया उन्होंने, तो यानी कि इस तरह की वो हरकतें कर रहे थे लेकिन मुनाज़रे का कोई मूड नहीं था उनका, उनको कहा अंदर आए मुनाज़रा करें गुफ्तगू करें, तो वो कहते जी बाहर ही करेंगे हम सड़क पे खड़े होके पागलों की तरह, तो मैंने समझाया मैं कहीं अंदर आए तो वो बुजुर्ग आपके क्या तासरात हैं जो आज आपने देखा है इसके बारे में? मुझे ये देखने में आया कि जिस वक्त हमारे जो आलम है तारक साहब उन्होंने कहा ना कि ये इस मौजू पे यानी शिरक और कुफर हम साबित करेंगे आलमों को, देवबंद के आलमों को, यानी कि देवबंदी जो है उनका कुफरिया शिरकिया इतकाद साबित करेंगे, उस वक्त वो जो है ना उनमें से जो 20 आदमी बैठे हुए थे ना उनमें से जो उन्होंने जाकर वो आलम को बताया और इस वजह से वो अंदर नहीं आए हैं कि ये हम इसमें जो हमारे सारे भेद खुल जाएंगे, भेद खुल जाएंगे, और इसलिए उन्होंने वो जो पहला मौदा था 20 आदमी का उसके उन्होंने कहा कि 50 आदमी होने चाहिए या सबको जाना चाहिए, एक झगड़ा खड़ा करने वाली, झगड़ा करने वाली, बड़ी मेहरबानी ये आप के क्या तासरात हैं इस प्रोग्राम के बारे में? सर जिस तरह सारे बंदे अगर बयान किया है कि बहुत ज़्यादा शोर शराबा सी तो कोई गल करने का तरीकाकार नहीं सी, तो मैं पैगाम देना स्पीकर रहमान साहब हाँ कि अगर उन्होंने वाकई नीयत है इरादा है गलबात करने का तो आन और इस तरह शोर शराबे नाल ना आन बल्कि जिस तरह एक इलम वाले लोग आपस में बह के गलबात करने इस तरह आन बह के गलबात करन यानी समझन और समझाना हाँ जी, तो उसी जैसी इंशाल्लाह ताला अपनी सलाह करना चाहते हैं इस नज़रिए नाल नहीं इकट्ठा हो रहे हैं कि कोई शोर शराबा करना या कोई झगड़ा करना बल्कि सलाह नहीं नीयत नाल आन और इंशाल्लाह मेरा शोभा तो मिस्त्रियां है लेकिन मैं मुख्तसर जी गल कर मेरा घर डिसाइड इस वास्ते होया कि मुनाज़रा होगा उस तो पहले जी लिस्ट मेरे को भी चुकी है इस टाइम उन्होंने गल की असं पांच बंदे आ गए तो मुनाज़रा कर ठीक जिस टाइम दरसे कुरान पाक जो गल हुई असं दरसे कुरान पाक करना है उन्होंने मैं कहा कि तुम अगर दरसे कुरान पाक सुनना है तो फिर मुनाज़रे का कोई तलक नहीं तुम आ जाओ दरसे कुरान पाक वास्ते असं तुहानू सवालों का जवाब देने वास्ते तैयार लेकिन इस चीज़ वो कैल नहीं हुई उन्होंने कहा कि साढ़े उलमा ने भी आना है मैं क्या अगर तुहाड़े उलमा ने आना है तो फिर जी शरायत साढ़िया तय हुई ने इस तो पहले लिस्ट भी मेरे को चुकी है कि जड़ियाँ शरायत तय हुई उसके मुताबिक तुम आ जाओ आके तो साढ़े नाल गल करो
लेकिन उस चीज़ से भी नहीं डरे। असल जी चीज़ मैं दो तीन दफा फिर बाहर गया, मैं जाके उन्होंने शिवर रहमान उन्होंने गल की थी कि तू अगर मुनाजरा चाहना है, गल करना चाहना है तो तू एक गल, वो कहता है कि मेरी आवाम को कंट्रोल कौन कर सी। मैं क्या तू मौलवी है, तेरा हक बनता है अपनी आवाम को कंट्रोल करना, लेकिन जो साढ़े साथी है ने इन्हों कंट्रोल करना साढ़ा हक है। उन्होंने मैंने खास सीधी सीधी धमकी दे दी, अगर बाहर इतने कोई शोर शराबा कोई कतल गारत हो जवाबदार तू, अगर मेरे जिम्मे उन्हें यह गल लाई है तो वो किस बेस से आके तो मेरे नाल पहले गल कर रहा है। अगर वह लड़ाई तो पहली मूल लड़ाई तो सी, फिर उसे गया क्यों सी? और हालांकि इस तू पहले असी दरसे कुरान पाक दे असी ऐलान करवाने सन, क्या शिविकर रहमान इन्ने बंदे लैके आंदा सी? बिल्कुल। अगर इन्ने बंदे पहले नहीं लैके आंदा सी तो अज क्यों लै गया उन्हें? बिल्कुल। उन्हें क्या जी दरवाजा दरवाजा खड़काया? असा कोई बंदा दरवाजा नहीं खड़काया, अगर खड़काया भी है लेकिन पहले भी तो असी दरवाजे खड़काते सर, पहले क्यों नहीं तुम आते? अगर पहले नहीं आते सर, इसका मतलब साफ है पूरी आबादी पूरा महला ये गल कह रहा है कि हम मैंने खुद लोगों कह कि तुसा अपना खून गर्म नहीं करना। लेकिन मैं एक दफ़ा किया है, मैं देखा कि की चाहते जिस टाइम मैं खून गर्म अपना किया है तो वह बंदा उस टाइम मेरे से आकड़ गया, वह कहता जा जो करनी कर मैं तेरे हूँ मुकना। मैं उन्हें कहा, मैं क्या भाई अगर लड़ाई करनी होनी मैं एक घंटा पहले लड़ाई दो घंटे पहले लड़ाई मैं कर पैना सी, लेकिन असा लड़ाई नहीं करनी इस वास्ते तुम आओ अगर गलबात करनी नहीं तो आके साढ़े ना गलबात करो। लेकिन उन्होंने इस चीज़ से कोई यानी कि उन्होंने ये काम नहीं किया, सिर्फ इस वजह तो नहीं किया, उन्होंने पता सी साढ़े जड़े इस तू पहले मैं मौलाना तालिब रहमान शाह साहब से ये बातें मैं सुनता रहा कि उन्माय देवबंद के ये कह दें, लेकिन वल्ला मैं ये चाहता था कि उन्माय देवबंद सामने आ जाए, पता चल जाए कि वाकई उनके देवबंद के कैद ये हैं, लेकिन वो सामने क्यों नहीं आए? उन्हें पता था कि हमारे लिए कैद हैं, इस वजह से वो सामने। सही बात है, बड़ी मेहर का वो मुताला करना चाहता है तो सिर्फ कुरान हदीस का मुताला करें, उन्माय देवबंद में रहकर वो देवबंदी रहेगा, हनफी रहेगा, वो महमदी कभी नहीं बन सकता। हमें मौत आएगी ला इलाहा मुहम्मद रसूल पे आए, हमें ये खुशी है, हमें अगर किसी फिका पे मौत आती है हमें इस मौत की ज़रूरत है। शादे तो ईद की उलमाए देवबंद से भी हम ये सुनते हैं कि हम तो ईद परस्त हैं, हम नरा रसालत नरा हैदरी या ऐसे काम नहीं करते। उनकी इससे पहले मैं इज्जत करता था, इस इलाके में अहले हदीस होने के बावजूद उनकी इज्जत मेरे दिल में थी, और हमारे सब मौलवी साहब या जितने भी इंतजामिया सब जानते हैं कि माविया जो है इनकी इज्जत करता था। लेकिन जब मैंने उनके उस प्रोग्राम में ये सुना है कि नरा रसालत नरा हैदरी, तो मैं उनसे बिल्कुल बेजार हो गया हूँ, उलादा हो गया हूँ कि वो इतने उलमा होने के बावजूद इतने उनके शेखुल हदीस उनके वहाँ सब खड़े थे और उन्होंने किसी को भी नहीं रोका कि आप ये कलमात ना कहें, क्योंकि उन्होंने इसलिए नहीं रोका कि हमने ये बात कही थी ये जितने लोग हैं दूसरे लोग खड़े हैं हमारे साथ वो सब चले जाए, इसलिए मैं उन सब से बेजार। ब्रदरान इस्लाम, आज जो भी मंजर हमने देखा ये मंजर इससे पहले मैं बहुत दफ़ा देख चुका हूँ कि ये उलमा देवबंद का ये वतीरा है, ये हमेशा हक को छुपाने के लिए इनके पास या पुलिस वाले मदद के नारों के अलावा और इसके राह फरार के अलावा कोई इनके पास तरीका नहीं। इससे पहले हदरों में भी इन्होंने ऐसे ही झगड़ा किया, अकायद उलमा देवबंद पे मनाजरा था वहाँ भी ये ऐसे ही चीखे चिल्लाए हत्ता के गाली गलोच तक इन लोगों ने की, और आज भी ये मंजर हमने देखा। और मैंने तकरीबन 50 मनाजरे इससे पहले देखे हैं अलहमदिल्ला, इन सारे मनाजरों में इनका तरीक़ाकार यही है कि ये भागना इसी में बड़ी आफियत समझते हैं और इनके पास कोई हक नहीं है। अगर इनके पास हक था तो ये आज अपने 250 इनके साथ मुक्तदी थे, उनको ये मुतमईन नहीं कर सके और यही इनके झूठे होने के लिए काफ़ी है। जाकर खालिद रहमान साहब जी, खालिद रहमान साहब आप माशाल्लाह आज इधर आए हैं और काफ़ी दूर से आए हैं, तो आपने क्या देखा है आज, क्या तासरात हैं? सर ऐसा है कि मैं तो ज़िंदगी में पहली दफ़ा एक मुनाज़रा देखने आया था। सही। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ और मेरे साथ इस वक्त कम अज़ कम कुछ 17 उलमाए किराम जो हनफिया से ताल्लुक़ रखते हैं, साथ बैठते उठते हैं, उनके साथ चलते फिरते हैं, पहले सुनते थे आज आंखों से देख लिया, सोचा था कि आज दोनों का आपस से मुकाबला होगा, कुछ देखेंगे क्या कहते हैं क्या होता है, लेकिन देखने में ये आया कि पहले तो उठपुटा के करते रहे, आने को तैयार ही नहीं थे, खुल के बात ही नहीं कर रहे थे, जो मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं तो कुछ सुबह 8 बजे का आया हूँ उधर, पहले आकर उन्होंने कहा मुनाजरा नहीं करते हम सिर्फ सवाल जवाब करेंगे, थोड़ी देर बाद आके कहने लगे जी हमारे सिर्फ अवामो नास होंगे, हमारे उलमाया कराम नहीं बुला रहे, अजीब टामक तो ये मारते रहे। खैर फिर कभी कहीं हम करते हैं फिर कभी कहीं हम नहीं करते, तो फिर बंदों की शरायत कभी लगाने लगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा कि बावजूद कई गलत शरायत जो उन्होंने कहीं हमारे साथी मान गए, वो कहने लगे जी इतने बंदे हो हमने कह रहे इतने बंदे कर लेते हैं, वो कहने लगे जी इतने हो हमने कितने कर लेते, कहने हमारे तीनों उलमाए कराम तीनों बात करेंगे, शाह साहब ने कह रही तीनों बात कर लें आए तो सही ना, अंदर अंदर से उनके बंदे हवाइयाँ उड़ा रहे हैं जी आपने रोका होगा, मुझे नहीं समझा कोई तिलस्मी उधर को तार लगी हुई थी जिससे वो रुके हुए थे, दरवाजे दोनों खुले हुए थे, बल्कि उनके बंदे कह रहे थे कि दरवाजे खुले हुए आ क्यों नहीं रहे,
दो तीन दफ़ा अंदर से बंदे गए बुलाने के लिए, मैं बुलाता हूँ जी, जो बुलाने के लिए जाता वो खुद ही बाहर आ जाता था जो मैंने देखा। खैर वो अंदर ही नहीं आया, बात क्या होती, बाहर से भाग के तो वो चले गए। मेरे ख्याल में प्रशांत साहब ने माशाल्लाह काफ़ी कायदे नुमायदे पर बयान किए हैं, अगर वो सच्चे हैं, बल्कि एक साथी उनमें से इकरार भी करके कि अभी वो मौजूद नहीं है, कि अगर मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि दोबारा उन सबको बुलाऊँ, वो आएँ दोबारा बैठें आके मुनाजरा करें, क्योंकि मुनाजरा नहीं किया बल्कि वो बकवास करके गालियाँ दे के नारे लगा के भाग गए यहाँ से। उम्मीद है क्या पता वो दोबारा, बल्कि शाह साहब ने उससे हद लिया बंदे से कि अगर वो दोबारा ना आए, और इंशाल्लाह नहीं आएंगे क्योंकि अभी वो भाग गए, तो क्या पहले दीस होंगे हमारा साथ देंगे, उस बंदे ने इकरार किया। मुंतजर हूँ इंशाल्लाह उस मुनाजरे का, आगे देखूँगा क्या होता है। शुक्रिया। आज का जो ये सारा हंगामा और शोर बपा हुआ है, मैं समझता हूँ कि हर दौर में गुमराह फिरकों ने और गुमराह लोगों ने इसी तरह शोर मचाया है। रोक देना, ये आज कोई पहली बात नहीं है। पहले इन्होंने अपना देवबंदियत होने से इनकार कर दिया था। हमने जब ये बात की कि आपके कायद उलमा देवबंद पर बात होगी, तो उन्होंने कहा हम देवबंदी ही नहीं हैं। फिर उनके मुनाजर जब आए और फिर जो बातें तय हुई, हर दफ़ा मुकर जाना, हर दफ़ा कोई और नई बात कह देना, हर दफ़ा और दावे बड़े बुलंद बांग करने, हम यूं कर देंगे, हम भगा देंगे, लेकिन जब बात तय करने की आती थी तो उसमें ऐसी नुक्ताचीनियाँ, ऐसे मसाइल पैदा किए जाते थे कि वो बात जो थी वो ख़राब हो जाती थी। तो हमने उनसे ये बात कही कि जो बात पहले 10 बंदों के साइनों से तय हुई है वो बात होगी कि उलमा, आपके उलमा हनफी उलमा जवाब देंगे कि 10 आपके फिका हनफी के कुरान हदीस से मुतसादम मसाइल पेश किए जाएंगे और आप उनको कुरान हदीस से साबित करेंगे। अब वो इस पर ही डर गए कि जी हमारी फिका हनफी में तो आम मसाइल भी हैं, फिर मुफ्ता भी, अकवाल भी हैं, तो आप जिन पर हमारा फतवा है आप उनकी बात करें। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ठीक है, हम आपके जो फतवा शुदा मुफ्ता भी अकवाल हैं हम उन पर आपसे बात करेंगे। तो फिर इससे फिर मुकर गए, कहने लगे जी मामूल भी ही पर बात होगी, उनके मुनाजर मोहम्मद इलियास गुमन साहब। अब मैं जब वो मेरे पास आए थे, उनकी गुफ्तगू, उनका अंदाज बड़ा सुलझा हुआ कि इसलाह के लिए आए हैं, लेकिन मैंने उनकी बातों से एंड पर मैंने उनको ये बात कही, मैंने कहा हजरत साहब आप तशरीफ लाए, एक बहुत बड़ी बुलंद इमारत मैंने अपने जहन में तामीर कर ली थी कि इंशाल्लाह इसलाह के हवाले से बात होगी, कुरान और हदीस के हवाले से बात होगी, जो गलत होगा वो रुजू करेगा, कुरान हदीस की तरफ आ जाएगा। लेकिन जो बुलंद बांग इमारत, बुलंद बाला इमारत मैंने खड़ी की थी, वो एकदम रेत की दीवार की तरह ढह गई। आप सिर्फ राह फरार इख्तियार कर रहे हैं, और उसका नतीजा क्या हुआ कि वो चले गए। हमने उनसे फिर बात की, हमने यहाँ ऐलान दर्स का किया गया, दर्स पहले भी हुआ, उसका भी ऐलान हुआ, जबकि इन्होंने अपने मस्जिद में उलमा को बुलाया और अहले हदीसों के बारे में फिजूल प्रोपेगंडा किया। उसके जवाब में यहाँ अहले हदीस मस्जिद में दर्स हुआ, उस दर्स में भी ऐलान हुआ कि आप लोग आएँ सवाल जवाब होंगे, तो इनके 10-12 लोग आए, बड़ी अच्छे माहौल में सवाल जवाब हुए। हमने उनकी किताबों से दिखाया कि आपके अकीदे में शिर्क है, आपका अकीदा कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है, और वो फिर चले गए कि हम अपने उलमा को लेकर आएंगे। लेकिन आज जब उलमा उनके आए और आज पिंडी शहर के मुख्तलिफ इलाकों से इन्होंने लोग इकट्ठे किए, दर्स के लिए आए, लेकिन क्या सारे शहर के लोगों को इकट्ठा करके यहाँ पर दर्स सुनाना था? फिर जब आ गए तो हमने फिर भी ये बात सोच ली कि इनको अंदर आने दिया जाए। डॉक्टर सैयद तालिब रहमान शाह साहब ने फरमाया कि इन सब को अंदर ले आएँ और इनसे कहें कि बात करें, तो इन्होंने एक पॉइंट उठा दिया कि कुर्सी हमारे उलमा के लिए रखो। जब आप दर्स सुनने के लिए आ रहे हैं तो दर्स सुनने के लिए और बहुत सारे लोग मौजूद हैं, तो क्या हम सब के लिए कुर्सी रखेंगे? कहाँ से कुर्सियाँ लाएंगे? लेकिन उन्होंने उस कुर्सी का बहाना बनाकर बाहर शोर शराबा शुरू कर दिया, शिरकिया नारे लगाने शुरू कर दिए, और वो शफीकुर रहमान बहुत उछल रहा था, हालांकि मेरे सामने उसकी बात को उसके मुनाजर इलियास गुमन ने खुद रद्द कर दिया, उसकी बेइज्जती कर दी, कि उसने कहा जब बात तय नहीं हो रही थी कल तो, और उसने ये बात कही एक मसला हम पेश करेंगे, एक मसला आप पेश करेंगे, एक मसला हम पेश करेंगे, इस तरह गुफ्तगु होगी और फिका हनफी के मसाइल पर गुफ्तगु होगी। तो इलियास गुमन साहब ने उसकी बात को रद्द कर दिया, नहीं नहीं आपकी बात गलत है। मैंने कहा जी, उस वक्त मैंने कहा था, मैंने कहा शफीकुर रहमान साहब आपकी क्या इज्जत रह गई है, जब इनके उलमा का ये हाल है और इनके उलमा का ये किरदार
रोज़ रोशन की तरह पूरी दुनिया में इसको कोई बंदा जो है गलत साबित नहीं कर सकता। इन्होंने दारुल उलूम देवबंद का 100 साल जो जश्न मनाया उसमें इंदिरा गांधी को इन्होंने जो है वो सदारत के लिए बुलाया था। कौन इसको झूठ साबित कर सकता है? ये करें बात हमारे साथ आकर। हम तो ये बात कहते हैं कि इफ़हाम तफ़हीम से एक बेहतर अंदाज में उलमाए देवबंद जिनको बड़ा काबर उलमाए देवबंद और नारे इनके लगाते हैं वो सारे नीचे इंदिरा गांधी के कदमों में बैठे हुए थे और वो कुर्सी सदारत पर ऊपर बैठी हुई। हम तो ये चाहते थे हमारा कोई साथी, उसने कोई गलत बात नहीं की, कोई शोर शराबा नहीं किया, सारे चुप करके बैठे हुए थे, दरवाजे खुले हुए थे, ये कभी शोर करते थे सड़क पर, फिर उधर जाकर सामने प्लाट में बैठ गए, फिर कहने लगे कि हमारे इन बंदों की ज़बानें नहीं रुकेंगी। शफीक-उर-रहमान कह रहे हैं कि हमारे इन बंदों की ज़बानें नहीं रुकेंगी, इनको हम नहीं रोक सकते। भाई आप अगर अपने दोस्तों को लाए हो, सारे शहर से इकट्ठा किया है, तो इनको रोकना आपका काम है। और फिर सबसे बड़ी बात, उन्होंने मुनाजरा या ये गुफ्तगू क्यों नहीं की? डॉक्टर सैयद तालिबुर्रहमान शाह साहब ने जब उनके जो अंदर 15-20 बंदे बैठे हुए थे उनके सामने ये बात की कि चलो अगर वो हमारी पिछली तहरीर को उस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है, दर्स के लिए आए हैं तो चलें आएं, हम उलमाए देवबंद के शिरकिया और कुफ्रिया अकायद इनकी किताबों से साबित करेंगे। और इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह जिनकी तकलीद का ये जिक्र करते हैं उनके ज़रिए ये साबित करेंगे कि उन्होंने इन पर कुफर का फतवा लगाया है, इनके अकायद पर कुफर का फतवा लगाया है। तो इनके जब शिरकिया और कुफरिया अकायद की बात बाहर जब पहुंची, इनके 2-3 बंदों ने जाकर अपने उलमा को बताया तो उन्होंने वहां से दौड़ लगाई। उन्हें पता है कि ये हमारे जो है ये कितना हम दलदल में फंसे हुए हैं, गुमराही के दलदल में फंसे हुए हैं। तो बात मुख्तसर यही है, हम इनको फिर दावत देते हैं और बात वही होगी कि अब अकायद की बात होगी। उलमाए देवबंद पहले ये देवबंदियत से मुकर गए, फिर हनफियत पर आ गए, फिर हनफियत से देवबंदियत पर आ गए, अकायद उलमाए देवबंद पर गुफ्तगू होगी। इनके किताबों से इंशाअल्लाह हम साबित करेंगे कि इनके अकायद कुफ्रिया हैं, शिरकिया हैं और ये गुमराह लोग हैं। अगर ये इस बात के लिए तैयार हों तो इफ़हाम व तफ़हीम के ज़रिए समझने समझाने के लिए ये मुख्तसर अफराद उलमा समेत 10-10 अफराद को बिठा लें और वो उलमा भी उसी में शामिल हों, आम लोग भी उसी में शामिल, 10 से 1 तरफ से 10 दूसरी तरफ से 10 और बैठकर वीडियो बने, पूरी दुनिया को दिखाएं, सीडीज़ बनाएं, पूरे शहर को दिखाएं, क्या फ़र्क पड़ता है? शोर मचाने से कोई जीत नहीं सकता। अबू जाल भी बहुत शोर मचाया करता था और उतबा शहबा भी बड़े शोर मचाया करते थे, मगर वो क्या हुआ, ज़लील व ख़्वार हो गए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन जो है वो बुलंदतर होता चला गया। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले हदीस हैं, हमारा ये दावा है, हम कुरान और सही हदीस उसको मानने वाले और उस पर अमल करने की कोशिश करने वाले हैं। तो हम कुरान और सही हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं और ये जो तमाम चीज़ें और तमाम गुमराह को नकायद। और फिर मैंने इनके मौलवी से बात कही, इलियास गुमन साहब से, मनाजर से, कि आप अपनी फिका को इमाम साहब तक सनद के साथ साबित कर दें। आपकी तो फिका सनद से ही साबित नहीं है, जब हदीस को सनद के बगैर नहीं माना जाता तो फिका को क्यों मान रहे हो? मन घड़त अकवाल और कुरान हदीस से मुतसादम वाक़यात आपके भरे हुए हैं, तो हम इनके नापसंदीदा अंदाज, इनके शरपसंद अंदाज को नफ़रत की निगाह से देखते हैं, उसकी मजम्मत करते हैं और अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान और हदीस पर, अल्लाह और उसके रसूल के तरीके पर हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और हमें इसी पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो मौत अता फरमाए।